हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ कैट का फॉर्म भरने से बात नहीं बनेगी, आपको हर एक कॉलेज का इंडिविजुअल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसी की सीरीज अब स्टार्ट हो गई है। आईएमटी गाजियाबाद का फॉर्म आ गया है। गाजियाबाद के साथ जो बाकी कैंपस है, चाहे वो आपका नागपुर हो, हैदराबाद हो, दुबई हो, उसके लिए भी कॉमन फॉर्म है। क्या क्या फॉर्म की डिटेल्स है, क्या फॉर्म का फीस है, आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कट ऑफ क्या है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं एंड प्लेसमेंट क्या है कॉलेज की, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि एंड तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि आपको इसका फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। या स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, जितने भी लोग भाई कैट और एमबीए के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अपडेट आ गया है। हमारा क्वांट, वर्बल और जीके का भाई अपडेटेड पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है, जिसमें भाई आपको मिलती हैं सारी की सारी वीडियोज, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड बेसिक से एडवांस तक सब कुछ। तो क्वांट पेन ड्राइव की बात करूं तो भाई नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, एल्जेब्रा, इन हर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। उसके बाद भाई मैंने आपको कराए हैं बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक के बाद आपको कराए मैंने एडवांस क्वेश्चन, एंड एडवांस क्वेश्चन के बाद मैंने आपको दिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे भाई आपका टॉपिक जो है 100% क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की, तो भाई सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, एंड जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो है 6,000 रुपीज़। तो अगर आप ये पेन ड्राइव लेना चाहते हैं क्वांट्स की, तो 9985893705 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो बच्चे वर्बल का कंटेंट देख रहे हैं कि सर वर्बल कैसे करें, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, उसके लिए हमारा वर्बल का कोर्स है, जिसमें भाई आपको वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर और जैट का डिसीजन मेकिंग, सारा का सारा कोर्स आपको दिया जाता है। आप इसमें हर एक टॉपिक कवर कर सकते हो, एंड भाई आपको सारे के सारे टॉपिक के ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और कैसे अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने सब कुछ दिया जाता है। तो कैट में जैसे आपको पता है आरसी ज़्यादा आता है, आपको पता है स्नैप के पेपर में ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, जैट में क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है, तो हर एक एग्जाम इसमें कवर अप होता है। एंड इस वर्बल पेन ड्राइव का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 5,000 रुपीज़। अगर आप क्वांट और वर्बल दोनों लेते हो तो आपको मिलता है 10,000 रुपीज़ में, 7 to 8 वर्किंग डेज में आपके घर पर आ जाता है। एंड इसके बाद हमारा जीके का पेन ड्राइव कोर्स है, जो बच्चे स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, टेस्ट का एग्जाम, सीमैट का एग्जाम, आईएफटी हो गया, उसका स्नैप हो गया, जितने भी एग्जाम जिसमें जीके आपका एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, भाई लोग इग्नोर कर देते हैं जीके को, बट जीके इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, जिसमें आपको डायरेक्ट में आंसर टिक करना है। तो आपको हर एक टॉपिक डिटेल में बताया जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, आईएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्नैप के लिए सारे के सारे करंट अफेयर 2 साल की आपको बताई जाती है, टिस और सीमैट की बात करूँ तो भाई सारे का सारे स्टैटिक जीके, एंड भाई अगर अदर एग्जाम्स की बात करूँ, जैट हो गया या आईएफटी हो गया, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है। जो जीके का पेन ड्राइव का कोर्स कॉस्ट है वो कॉस्ट है 4,000 रुपीज़। तो अब मैं बात करता हूँ आईएमटी कॉलेज की, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन भाई अगर आपको इनमें से कोई भी पेन ड्राइव ऑर्डर करनी है, तो 9985893705 पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो, आई विल सेंड यू द डिटेल्स। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आईएमटी के। देखो बच्चों, 4 कैंपस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस आपका गाजियाबाद का, फिर आपका नागपुर कैंपस है, देन आपका हैदराबाद है, एंड देन आपका दुबई है, जहाँ पे डुअल कंट्री प्रोग्राम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो आईएमटी गाजियाबाद में इस साल भाई 480 सीट्स हैं जिन बच्चों को एडमिशन मिलेगा पीजीडीएम कोर्स में, 180 सीट्स हैं जो दुबई वाले कोर्स में जाएंगे जो डुअल कंट्री पीजीडीएम है। उसके बाद आईएमटी नागपुर जो है उसमें आपकी 360 सीट्स हैं, एंड आईएमटी हैदराबाद में 240 सीट्स है। तो ये 4 आपके कैंपसेस हैं। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो हमें पता है भाई आईएमटी गाजियाबाद जो है वो इनका फ्लैगशिप कैंपस है, सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस है। तो आईएमटी गाजियाबाद का जो एवरेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर रहा था वो रहा था 11.60 लाख रुपीज़। एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने निकल के आता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी सारे एग्जाम्स का ये स्कोर एक्सेप्ट करता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बी स्कूल्स है अगर मैं इंडिया की बात करूँ। एंड अगर आप बाई चांस अपना करियर बनाना चाहते हो मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज आईएमटी को बोला जाता है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर इज द लास्ट डेट। फेब्रवरी मार्च में जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, एंड जो आपका फाइनल एडमिशन है वो अप्रैल तक आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये डेट जरूर ध्यान रखना, इस कॉलेज का फॉर्म भर देना, कैट से पहले इसकी डेट चली जाएगी। इसका अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यार एक चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये है कि आप अपना स्कोर सबमिट कर सकते हो, देखो, कैट का, जैट का, जीमैट का और सीमैट का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। इस एग्जाम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नो सेक्शनल कट ऑफ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो भाई जो आपका स्कोर है
कैट का, जेट का और जी मैट का, ये आपके चारों कैंपसेस एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, दुबई हो, हैदराबाद हो, नागपुर हो। लेकिन जो सी मैट का स्कोर है, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रहता है, ये जो स्कोर है सिर्फ नागपुर एंड हैदराबाद, इन दो कैंपस के लिए एप्लीकेबल है। तो नागपुर और हैदराबाद के लिए सी मैट एक्सेप्टेड है। अगर आप टारगेट कर रहे हो IMT गाजियाबाद, तो आप कैट, जेट या जी मैट कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यहाँ पर डाउट आता है, सर अलग अलग फॉर्म भरना है या एक ही फॉर्म भरना है, कौन सा स्कोर सबमिट करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म भरना है। उस सिंगल फॉर्म में आप तीनों टिक कर सकते हो, अपना तीनों स्कोर डाल सकते हो। जब स्कोर आएगा, फॉर्म वापस रीओपन होता है, अपना स्कोर डाल दो, जो बेस्ट स्कोर होगा IMT अपने आप उस स्कोर को कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि इसकी कट ऑफ या क्या रहती है, तो कैट में आपको चाहिए 90%, जैट में भी आपको चाहिए 90%, तो दोनों में से किसी में भी 90% लियाओगे तो आपको कॉल आ जाएगी। अगर जी मैट की बात करूं तो IMT कॉल करता है 650 मार्क्स पे, तो 650 मार्क्स आपके आने चाहिए। जो आप जी मैट का एग्ज़ाम दोगे वो होना चाहिए 1 जनवरी 2015 से 28 फरवरी 2019 के बीच में, तो इस टाइम के पीरियड के बीच में ही आपने जी मैट का स्कोर देना है, ये आपने एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। अगर आपने 2015 से पहले या 28 फरवरी 2019 के बाद जी मैट दिया है, तो वो स्कोर आपका इस साल के IMT एडमिशन में कंसिडर नहीं होगा। आपको जो जी मैट का स्कोर है वो पोर्टल पे अपडेट कर देना है @max15 March 2019 को। एंड बाकी जो कैट और जैट है, इसमें बस आपको अपना रोल नंबर डालना है, IMT अपने आप आपका स्कोर ले लेगा एंड आपको कॉल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। तो ये भाई आपकी मेजर चीज़ें। इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो IMT नागपुर और हैदराबाद का कैंपस है, वो कैट, जैट, जी मैट के अलावा सी मैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप बैकअप के लिए भर सकते हो। इनकी प्लेसमेंट जो है वो कंबाइन नहीं होती है। IMT नागपुर और हैदराबाद का अपना अलग प्लेसमेंट है, IMT गाजियाबाद का अपना अलग प्लेसमेंट है। इसके बाद ध्यान रखना, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और जो फाइनल एडमिशन होता है वो किन बेसिस पे होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो आपका कैट, जैट और जी मैट, ये आपके स्कोर्स एक्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर होगा। उसके बाद आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, तो एकेडमिक्स आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, वो सारा का सारा। एंड उसके बाद आप कौन से कॉलेज से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका वर्क एक्स कितना है, वर्क एक्स किस डोमेन पे आपने किया है, किस कंपनी में किया है। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है पर्सनल इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर्स को आप पसंद आए कि नहीं आए, आपने जो आंसर्स दिए वो सेटिस्फैक्ट्री थे उनके पैरामीटर्स अकॉर्डिंग या नहीं थे। तो इस तरह से इन चारों का स्कोर ऐड होता है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसके बाद बच्चों को एडमिशन ऑफर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं IMT गाजियाबाद के फॉर्म की। फॉर्म फिल कर देना, काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो डाउट में रह जाते हैं। मैंने आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, पूरा इन डेप्थ जाके। इसके अलावा मेरा सजेशन ये रहेगा कि IMT गाजियाबाद ऐसा बैकअप आप भर सकते हो, रीज़न बीइंग जो इसका फॉर्म है वो आपको वन टाइम भरना है, लेकिन स्कोर जो है वो कैट का भी एक्सेप्ट होगा, जैट का भी एक्सेप्ट होगा, तो जी मैट का भी एक्सेप्ट होगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि आपका जो है ईयर वेस्ट नहीं होगा एंड आपको एडमिशन इस साल मिल जाएगा, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे भाई डायरेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि भाई आपको सारे के सारे कॉलेज अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।